अपनी कॉमेडी से लाखों करोड़ों लोगों को हंसाने वाले कॉमेडियन हैं राजू श्रीवास्तव। बचपन से ही उन्होंने कॉमेडियन बनने का सपना देखा था। शुरुआती वक्त में राजू ने अपना खर्चा निकालने के लिए ऑटो तक चलाया था। उन्हें उनका पहला ब्रेक भी ऑटो में बैठी एक सवारी की वजह से ही मिला था। इसके बाद राजू को शो मिलने शुरू हो गए और फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी की बदौलत राजू ने अपने नाम के साथ साथ पैसा भी खूब कमाया है, तभी तो वो आज करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक है। तो चलिए आज बात करते हैं राजू श्रीवास्तव की टोटल नेटवर्थ के बारे में। राजू को प्यार से गजोधर भैया भी कहा जाता है। इस समय राजू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। बीते दिन 10 अगस्त को ही जिम करते वक्त राजू को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया। एंजियोप्लास्टी होने के बावजूद राजू की हालत अभी बेहद नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स की एक टीम उन पर निगरानी रखे हुए है। उनकी फैमिली से लेकर फैंस तक यही दुआ कर रहे हैं कि राजू जल्दी से ठीक हो जाएं। वहीं अपने चुटकुलों से हर किसी को गुदगुदा देने वाले राजू श्रीवास्तव एक ऐसी हस्ती हैं जो गरीबी से उठकर एक स्टार बने। आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन एक वक्त था जब उन्होंने गरीबी में रहकर अपना समय काटा था। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से आने वाले राजू ने अपनी मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाई है। राजू का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता मेश चंद्र श्रीवास्तव थे, जो खुद एक कवि थे, लेकिन उनका परिवार आर्थिक तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं था। उस समय वो गरीबी में अपना वक्त बिता चुके हैं, लेकिन कुछ कर गुजर जाने की लगन तो राजू के मन में बचपन से ही थी। बचपन से ही वो मिमिक्री किया करते थे। स्ट्रगल के दिनों में बच्चन साहब की मिमिक्री करके वो पैसे कमाते थे। बचपन में ही उन्होंने कॉमेडियन बनने का फैसला कर लिया था और फिर करियर शुरू करने के लिए राजू श्रीवास्तव ने कई स्टेज शो टीवी शो में काम किया। शुरुआती वक्त में राजू ने अपना खर्चा उठाने के लिए राजू ने ऑटो भी चलाया। उन्हें पहला ब्रेक भी ऑटो में बैठी एक सवारी की वजह से मिला था। फिर उन्हें शो मिलने शुरू हुए तो उन्होंने 50 रुपए में कॉमेडी की थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो टी टाइम मनोरंजन से की। इसके बाद छोटे पर्दे पर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आया तो उन्हें पहचान मिलने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 58 साल के राजू श्रीवास्तव एक शो के लिए लाखों की फीस चार्ज करते हैं। वहीं कॉमेडियन करीबन 15 से 20 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। वहीं राजू ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए भी मोटी रकम लेते हैं। राजू श्रीवास्तव की कमाई का मुख्य जरिया कॉमेडी ही है। इसके अलावा एक्टर ने अपना ऑडियो वीडियो सीरीज निकाली है, जिससे भी वो अच्छी खासी कमाई करते हैं। भारत के साथ साथ वो विदेशों में भी शो करते हैं। यूट्यूब के जरिए राजू श्रीवास्तव की कमाई होती है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक राजू श्रीवास्तव का कार कलेक्शन भी शानदार है। उनके कलेक्शन में ऑडी Q7 शामिल है, जिसकी एक शोरूम कीमत लगभग 90 लाख रुपए है। इसके अलावा BMW 3 सीरीज कार के मालिक भी हैं, जिसकी एक शोरूम कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। इसके अलावा उनके पास एक इनोवा कार भी है, साथ ही वो एक आलीशान घर में परिवार संग रहते हैं। राजू के परिवार के बारे में बात करें तो राजू श्रीवास्तव ने साल 1993 में शिखा श्रीवास्तव से शादी की थी। कपल के दो बच्चे हैं। उनके बेटे का नाम आयुष्मान श्रीवास्तव है और बेटी का नाम अंतरा। बहरहाल इस समय तो हर कोई यही चाहता है कि राजू एक बार फिर से ठीक होकर लोगों को अपनी कॉमेडी से गुदगुदाएं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।